इसमें आज हम लोग पैरामीट्रिक फॉर्म, नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म जो है, प्लेन की इक्वेशन की, इन पे बातचीत करेंगे। तो पहला पैरामीट्रिक फॉर्म की बात करते हैं। पैरामीट्रिक फॉर्म, पैरामीटर क्या होते हैं? थोड़ा सरल शब्दों में समझते हैं। दो शब्द बार बार मैथ्स में आते हैं, एक होता है पैरामीटर, दूसरा होता है वेरिएबल। दोनों की वैल्यू बदलते रहती है। अब जैसे मैंने ये लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। लैम्डा कोई रियल नंबर है। ऑब्वियसली ये एक सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर 0 0 और जिसका रेडियस लैम्डा हो। ठीक है, हाँ तो लैम्डा कुछ रख लो, जैसे तुमने लैम्डा को 2 रखा, तो फिर अब ये हो गया उस समय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो सर्कल की इक्वेशन है जिसका रेडियस 2 हो गया। अगर मैं लैम्डा 3 रखता हूं तो मुझे दूसरा सर्कल मिलेगा। सेंटर तो 8 ही हुआ, लेकिन इसका जो रेडियस होगा वो 3 यूनिट होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये हाँ 2 रेडियस वाला है तो ये 3 रेडियस वाला हो जाएगा। ऐसे तो 4 वाला भी होगा एंड सो ऑन। तो हमारे पास इनफाइनाइट सर्कल्स होंगे और सभी कंसेंट्रिक होंगे, सभी का सेंटर ओरिजिन होगा, पर लैम्डा बदलता जाएगा। इसका मतलब कोई मुझसे पूछे कि ये जो इक्वेशन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, तो मैं कहूंगा फैमिली ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। क्लियर हुआ? हाँ फैमिली क्यों? क्योंकि फैमिली में जैसे जब मेंबर होते हैं वो इंडिविजुअल हर एक अलग है, लेकिन कोई चीज ऐसी होगी जो कॉमन होगी सब में, कॉमन कोई आइडेंटिटी होगी, तभी वो एक फैमिली होगी। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स में सबका सेंटर सारे सर्कल्स का 8 ही है, ये चीज उनमें कॉमन है, इसीलिए ये फैमिली है। और लैम्डा क्योंकि हम अलग अलग रख सकते हैं, जरूरी नहीं है इंटीजर में रखें, 2.4 भी रख सकते थे, 2.6 भी रख सकते हैं एंड सो ऑन। तो अलग अलग रेडियस के सर्कल बनेंगे। क्लियर हुआ इतना? हाँ क्लियर है। तो यहां पर जो लैम्डा है बेटा वो पैरामीटर है। तो लैम्डा की वैल्यू किसी एक कर्व के लिए 8 ही वैल्यू होगी। लैम्डा इक्वल टू 2 है तो उस कर्व पे फिर अब हर जगह पर लैम्डा तो 2 ही रहेगा ना, रेडियस। हाँ लेकिन एक्स और वाई, तो एक्स कॉमा वाई जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो तो हर कर्व के हर पॉइंट पे बदलेंगे। हाँ जैसे मैं ये तो चलो 2 बने, अगर मैं 8 ही बनाता हूँ, यही पर जो लिखा है लैम्डा इक्वल टू 2 लिख दिया मैंने, ये है, तो इस पूरे कर्व पर हर जगह लैम्डा तो 2 ही रहेगा। लेकिन इसमें हर जगह पर जो पॉइंट्स हैं, पी मान लो, फिर क्यू मान लो, आर मान लीजिए, एस मान लीजिए, अलग अलग पॉइंट पर जो कोऑर्डिनेट हैं, मतलब जो एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट होते हैं वो तो अलग अलग होंगे ना। ठीक है, हेलो, हाँ तो एक्स कॉमा वाई वेरिएबल हुए, तो वेरिएबल हर पॉइंट पे अलग हो जाते हैं। पैरामीटर एक कर्व पे तो एक ही रहेगा, अगले कर्व में कुछ दूसरा हो जाएगा। तो मैं क्या ये बोल सकता हूं कि वेरिएबल पॉइंट टू पॉइंट वेरी करते हैं और पैरामीटर कर्व टू कर्व वेरी करते हैं? बिल्कुल पैरामीटर किसी एक कर्व के लिए नहीं बदलते, वो दूसरे कर्व पे, अगर पैरामीटर बदले तो दूसरे कर्व के लिए उसकी वैल्यू कुछ और हो जाएगी। तो वेरिएबल्स
और पैरामीटर में अंतर और समानता कभी पूछे कोई, तो आप बता सकते हैं कि दोनों बदलते हैं, ये समानता है। दोनों बदलते हैं लेकिन पैरामीटर एक कर्व में एक ही वैल्यू होगी उसकी, वेरिएबल एक ही कर्व में भी अलग-अलग पॉइंट पे बदलते जाएंगे, तो पैरामीटर कर्व टू कर्व चेंज होते हैं और वेरिएबल पॉइंट टू पॉइंट चेंज। बात समझ में आई या नहीं आई? समझ में आएगी बात। हाँ, तो इन जनरल याद रखना, क्योंकि मैथ्स में आगे भी बहुत सारी जगहों पर पैरामीटर बोलते रहेंगे हम, तो पैरामीटर का ही मतलब है। चलो फिर भाई, अब इस आधार पर थोड़ा प्लेन के बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो हमारे पास एक थ्योरम है, पहले थ्योरम लिख देता हूँ। ये है द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट हैव इन पोजिशन वेक्टर वेक्टर ए मान लीजिए एंड पैरेलल टू वेक्टर बी एंड सी इज आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी प्लस सम म्यू टाइम्स सी लैम्डा एंड म्यू आर पैरामीटर्स, स्केलर हुए, नंबर हुए, आर पैरामीटर बोल दीजिए। तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म है, किसी प्लेन की पैरामीट्रिक फॉर्म। तो कहा क्या जा रहा है स्टेटमेंट में, थोड़ा सा गौर से देखते हैं। सपोज मेरे पास ये एक प्लेन है, मुझे प्लेन की ही इक्वेशन निकालनी है। तो इसमें एक तो प्लेन किस पॉइंट से पास हो रहा है, किसी पॉइंट ए से पास हो रहा है ना, जिसका पोजिशन हाँ वेक्टर ए मान लो। ऐसा करता हूँ, एट पॉइंट पी मान लेता हूँ जिसका पोजिशन वेक्टर आर हो, इन जनरल ये तो लेना ही है। तो जो एपी वेक्टर होगा, चलो यहीं पर सही, वो भी प्लेन में ही होगा, ए और बी हाँ प्लेन में है तो एपी वेक्टर भी प्लेन में ही होगा, ठीक है ना। हाँ तो सीधे मैं एपी वेक्टर को लिख देता हूँ पोजिशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, मतलब आर माइनस ए, ठीक। हाँ चलो अब एक बात सोचो, ये प्लेन किसके पैरेलल है, बी के। हाँ बी और सी के अच्छा, तो सपोज ये बी है और इसी जो पैरेलल ही सही, उसी में मान लो ये सी है, मतलब बी और सी आपस में पैरेलल हो जरूरी नहीं है। जो प्लेन है वो तुम्हारे कमरे में बिछी हुई दरी है, समझ, प्लेन। तुमने इस प्लेन के पैरेलल दो वेक्टर लिए बी और सी, तो दो पेंसिल उठा लो हाथ में या एक पेन और एक पेंसिल टाइप का। अब ये आप बी और सी आपस में पैरेलल हो या ना हो, फर्स्ट के पैरेलल कर दो दरी के, हो सकता है नहीं। हाँ अरे बिल्कुल हो भाई सकता हो सकता है, क्लियर है। हाँ
चलो मैं थोड़ा पिक्चर साफ बनाने लिए दोबारा बना देता हूँ। तो बी के पैरेलल मैंने एक वेक्टर खींचा ऐसे, और ये लैम्डा टाइम से बी कर दिया, मतलब लैम्डा कोई नंबर होगा, 2 टाइम्स 3 टाइम्स या 1/2 टाइम्स, कुछ भी हो सकता है। वेक्टर में हमेशा हम जानते हैं कि कोई वेक्टर है तो उसके पैरेलल वेक्टर लिया जा सकता है ना। हाँ लिया है। वेक्टर में अगर एक वेक्टर यहाँ पर है ए, तो इसके पैरेलल वेक्टर भी यहाँ पर उतना ही लंबा होगा तो ए होगा, उससे ज्यादा या कम है तो लैम्डा टाइम से ए कर देंगे भाई। हो हाँ सकता है दो गुना लंबा हो सकता है, आधा गुना लंबा हो, जो भी हो लैम्डा टाइम से किया जा सकता है। तो मैंने क्या किया बेटा कि बी के पैरेलल एक वेक्टर प्लेन में ले लिया, तो लैम्डा भी ऐसे सी के पैरेलल ले लेता हूँ तो लैम्डा सी। और मैं हमेशा ऐसा कर सकता हूँ कि ये वेक्टर ऐसा बना दूँ कि ये आर माइनस ए हो, किया जा सकता है ऐसा नहीं? हाँ किया जा सकता है। तो फिर अब आप ये सोचो, लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर से आर माइनस ए जो वेक्टर है, क्या मैं उसको लैम्डा बी प्लस म्यू टाइम सी लिख सकता हाँ हूं? जरूरी नहीं है लैम्डा ही लिखो, म्यू लिख लो यार, क्या फर्क पड़ता हाँ है, हो गया डेरिवेशन। आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी प्लस म्यू टाइम सी। नॉर्मली ये चीजें ट्रम पूछी जाती हैं, लेकिन अगर कोई पूछे तो हमने मैथ्स पढ़ी है, बात ये नहीं है कि एग्जाम में आएगा या नहीं, बात ये है हम वेक्टर को एंजॉय कर रहे हैं या नहीं। अगर हम कर रहे हैं तो ये इसमें है ही क्या, बी और सी के पैरेलल है तो बी और सी के पैरेलल प्लेन में बना लो दो वेक्टर, इस तरह से बना लो कि आर माइनस ए उनका रिजल्टेंट हो, हमेशा बन जाएगा ऐसा, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर 8 लाइन का प्रूफ क्लियर है? हाँ क्लियर है। अच्छा, इसी को नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म में भी कर सकते हैं, इसी डेरिवेशन को, अगर जरूरी है कि लैम्डा म्यू की फॉर्म में हो तो। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म। हमारे पास तो भाई ये बताओ, नॉन पैरामेट्रिक के हिसाब से ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, बी और सी दोनों पैरेलल हैं प्लेन के, तो फिर बी क्रॉस सी प्लेन के नॉर्मल होगा या नहीं? हाँ, हाँ होगा। तो फिर जो ये वेक्टर था अभी हमारा आर माइनस ए, उससे परपेंडिकुलर होगा बी क्रॉस सी, हाँ तो आर माइनस ए अगर बी क्रॉस सी के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लें तो क्या आना चाहिए? हो जीरो गया बस। इस फॉर्म को क्या बोलते हैं? नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म। क्योंकि इसमें लैम्डा और म्यू नहीं है, पैरामीटर नहीं हाँ है, बस इतना ही समझना है। तो मैंने पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक दोनों समझाए, और दोनों में फंडामेंटल कंसेप्ट है, कुछ है नहीं है। अगर ये क्लियर है तो हम एक सवाल कर सकते हैं। देखो भाई, अपने लिए जिंदगी में जितना स्टैंडर्ड रखोगे बाद में वो फायदा देगा चीजों को सीखने में। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि फाइन द नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ प्लेन
आर इक्वल टू आई माइनस जे प्लस लैम्डा टाइम्स आई प्लस जे प्लस टी प्लस म्यू टाइम्स आई माइनस टू जे प्लस थ्री के। तो फिर इसका मतलब है कि अगर आप इससे कंपेयर करें ए प्लस लैम्डा बी प्लस लैम्डा बी सी से, तो फिर ए हमारे पास है आई माइनस जे, बी है हमारे पास आई प्लस जे प्लस के, सी है हमारे पास आई माइनस टू जे प्लस थ्री के। ठीक हो गया। तो जो हमारा प्लेन होगा वो बी और सी दोनों के पैरेलल होगा। हाँ कब आई थी कि बी और सी दोनों पैरेलल हैं, दोनों के पैरेलल प्लेन है, ये दोनों के पैरेलल है ना प्लेन बी और सी। तो भाई बी क्रॉस सी निकाल लेते हैं, जितना भी आता है आई जे टी ले जे बी जे कोफिशियंट 1 1 1 और यहाँ 1 माइनस 2 3 वो कर लेते हैं। अब ये बी क्रॉस सी तो ऐसे आ जाएगा ना, हाँ ये क्या डायरेक्शन हो जाएगी, ये नॉर्मल उस प्लेन के। तो ये आर माइनस ए होगा, ए पता ही है दे रखा है, हाँ आर माइनस ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू 0 दैट इज नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म हो जाएगा। हाँ चलो ठीक है, ये सवाल एक्सरसाइज, मैंने कहा कि ये एक्सरसाइज भी हो जाएगी आज। ठीक हो गया। अब जैसे हाँ अगला सवाल वैसे ही इन्होंने दे रखा है कि वो एस माइनस टू टी आई प्लस थ्री माइनस टी जे प्लस टू एस प्लस टी जे, खाली कंफ्यूजन कर रखा है, लैम्डा म्यू नहीं लिखा तो एस और टी लिख दिए हैं, तो जिनमें एस या टी दो नहीं है उनको लिख लेते हैं एक साथ। पहले पहले में तो ऐसा नहीं है, एस और टी दोनों में है, दूसरे में है थ्री जे प्लस एस कॉमन ले लो आई प्लस टू के प्लस टी कॉमन ले लो माइनस टू आई माइनस जे प्लस थ्री, हो गया। तो ये ए ये बी ये सी, और लैम्डा और म्यू के फॉर्म में एस और टी है। हाँ बस हो गया, बाकी कुछ है करना ही नहीं है। तो आप तुम नॉन पैरामेट्रिक ले लो, और अगर कार्टेशियन फॉर्म चाहते हो तो आर की जगह पर लास्ट में एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के रख दो तो एक्स वाई जेड मान जाएगा, तो कार्टेशियन भी हो जाएगी। तो ऐसे करना होता है सवालों को, तो अलग अलग कर लो, एस अलग टी अलग इस आधार जैसे पर। अगला एग्जांपल भी वैसा ही तो है। तो ये तो हो गया हमारे पास, ये पहली एक्सरसाइज। अब मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए एक आध चीज बता देता हूं। एक प्लेन है उसके पैरेलल प्लेन की क्वेश्चन कैसे निकालेंगे, प्लेन की अगर पैरेलल है तो दोनों का नॉर्मल तो एक ही रहेगा, हाँ तो जो कॉन्स्टेंट हम अंतर आएगा बस। जैसे कार्टेशियन में अगर मैं बात करूं, स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन हम लोग ऐसे लिखते थे 11th क्लास में ये, और इसके पैरेलल लाइन कोई पूछता था कि साहब इसके पैरेलल, तो ए एक्स प्लस बी वाई तो बदलता नहीं था, सी चीज और कुछ और रख दो लैम्डा रख दो यार। हाँ तो भाई फिर अब वही यहां भी करना है, ए एक्स प्लस बी वाई
प्लस सी जेड प्लस टी इक्वल टू जीरो, एट प्लेन है, तो इससे जब पैरेलल प्लेन पूछा जाए तो कांस्टेंट बदल जाएगा, कुछ भी रख दो उस चीज, लैम्डा रखो, म्यू रखो, टी रखो, चलेगा सब। डी चीज डी वन रख दो, क्या फर्क पड़ता है। तो ये दोनों प्लेन पैरेलल हैं, जैसे वो दोनों लाइनें पैरेलल थी तो लाइनों में भी कांस्टेंट टर्म में अंतर होगा, प्लेन में भी कांस्टेंट टर्म में अंतर होगा। तो फिर इसका मतलब है अगर वेक्टर फॉर्म में कोई प्लेन आर डॉट एन इक्वल टू डी है तो इसके पैरेलल आर डॉट एन तो क्या बदलेगा, खाली डी चीजों में कुछ और बदल जाएगा, लैम्डा रख हाँ दो, हाँ इतना ही समझना है कि कांस्टेंट टर्म बदल जाएगी बाकी कुछ नहीं बदलेगा। ये एट प्लेन के पैरेलल प्लेन की क्वेश्चन हो जाएगी। इस आधार पर कुछ सवाल कराए जाएंगे, क्योंकि अब जब आप लैम्डा लिख रहे हैं तो लैम्डा कैसे निकलेगा ये भी तो हमें बताना पड़ेगा। तो हम कभी हाँ कहेंगे कि अभी जो नया प्लेन है ये किसी पॉइंट से पास हो रहा है, तो ठीक है साहब एक्स वाई जेड की जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट रख दो तो लैम्डा अपने आप आ जाएगा, मतलब लैम्डा निकालने की व्यवस्था दे रखी होगी। तो जो टर्म स्ट्रेट लाइन का है वही यहाँ भी है, तो इसको ध्यान से देखना समझना है और ये आइडेंटिटी दो एक्सरसाइज पूरी करनी है आज। हाँ ठीक है।